एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो है ईरानी स्टाइल चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है और साथ ही इसका स्वाद भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ मैंने थोड़ी सी धनिया, 3 टमाटर, 1 नींबू, 3 हरी मिर्चें और 2 प्याज लिए हैं। इन सब को हम फाइनली स्लाइस कर लेंगे। देखिए, ऐसे मैंने यहाँ टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों को स्लाइस कर लिया है और धनिया को चॉप कर लिया है और साथ ही नींबू को 2 हिस्सों में काट लिया है। सूखे मसालों में मैंने यहाँ लिया है 1.5 चम्मच कुटी हुई जीरे का पाउडर, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच कुटी हुई धनिया का पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा साबुत जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 1/2 कप तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें अपने चिकन के पीसेस को डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे अब इसमें कटे हुए प्याज भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। हम चिकन को अच्छे से पकने देंगे और याद रखिए इसको ढकना नहीं है। पांच से दस मिनट के बाद मैं देखिए मैं चेक कर रही हूँ और अभी ये चिकन नहीं पका है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी और इसे हम बिना ढके हुए पकाएंगे। पांच मिनट हो जाने के बाद देखिए मैं इसे फिर से चेक कर रही हूं और अब ये चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए टमाटर और 1/2 कप पानी, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। दो से तीन मिनट के बाद देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई मिर्चें और चॉप किया हुआ धनिया, इसे भी हम चिकन के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और
और अब सबसे एंड में हम अपने मसालों को डालेंगे। ईरानी चिकन में मसाले सबसे आखिरी में जलते हैं और इन मसालों को हमको ज़्यादा नहीं पकाना होता, वरना इन मसालों का कलर हमारे चिकन में आ जाता है। तो सबसे एंड में हम मसालों को डालेंगे और बस थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और ये देखिए, मसाले डालने के बाद बस हम इनको एक बार मिक्स कर देंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए, हमारा ईरानी चिकन एकदम रेडी है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, और आपको इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, ये एकदम पक चुका है। अब आप अपनी गैस को बंद कर दीजिए और सबसे एंड में हम इसमें अपने नींबू का रस डाल देंगे। जो हमने नींबू काट के रखा था उसको मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और ये रहा हमारा ईरानी चिकन एकदम यूनिक रेसिपी, यूनिक स्टाइल और यूनिक टेस्ट के साथ तैयार हुआ है। आप इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।